यशोमति मैया के नंदलाला। जिस प्रकार से उस धूर्त ने सबसे वचन लियो है, मुझे विश्वास हो गयो है कि कछु न कछु गड़बड़ अवश्य है नंद। अब तो प्रभु नारायण ही जाने क्या होगा। जब उन्होंने ये मार्ग चुन ही लियो है तो उन्हें इस पर चलनो भी हो, फिर चाहे उन्हें धन मिले या दुख। तो क्या अब आप गोकुलवासियों का साथ ना देंगे? हे देवकी, यदि भक्ति का स्थान लोभ ले ले तो क्या करेंगे श्री नारायण। उत्तर दे प्रिय बहना, उत्तर दे। वो आपकी तरह नहीं है भैया। पथरीले मार्ग पर यदि कोई भक्त फिसल कर गिर जाए तो भी नारायण उससे मुंह नहीं मोड़ते, वो सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं। वो स्वयं झुक कर उसे उठाते हैं, फिर से पथरीले मार्ग पर चलने के योग्य बनाते हैं। यशोदा, संतान यदि भूल करे तो क्या उसकी मैया उसका साथ छोड़ देती? जब भक्त भूल करता है तो क्या नारायण उसका साथ छोड़ देते? तो फिर मैं भी अपनी प्रजा का साथ ना छोड़ सकता। ये मेरा दायित्व है, मुझसे जो संभव होगा मैं उनके लिए वो सब करूंगा। बाबा, जब कोई भक्त भूल करे तो भी भगवान उनका साथ नहीं छोड़ सकते। मैं उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। सत्य तो ये है, नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। काल मेरे निकट से चला गया महाराज, नहीं तो ये तन मेरे ही प्राणों को आज झटक देता। तो अगली बार काल को मैं आदेश दूंगा ऐसी भूल ना करे। और जो सूचना तुम लेकर आए हो यदि वो अप्रिय लगी। परंतु महाराज, मैं तो अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया हूँ। गोकुल के सारे ग्वालों और ग्वालिनों ने ये प्रण लिया है कि कल से वो सारा दूध दही मक्खन मुझे, केवल मुझे ही देंगे। अर्थात जिस दिन की मुझे प्रतीक्षा थी वो शुभ दिन कल आएगा। कल से आरंभ होंगे गोकुल के दुर्दिन और बहुत शीघ्र वो विष्णु अवतार मेरे चरणों पे पड़ा गिड़गिड़ाएगा, अपनी असही स्थिति पर आंसू बहाता हुआ अपने जीवन की भिक्षा मांगेगा। झटक लूंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।